रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें हमारी पहली टाइपिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा कि फाइंडिंग रेंज यूजिंग बाउंडनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कब बाउंडनेस हम बोलेंगे, कब अनबाउंड बोलेंगे, बाउंड बोलेंगे? तो साइन एक्स की हम जब बात करते हैं ना, तो साइन एक्स -1 से 1 के बीच में ही आता है, तो हम इसको बोल देंगे कि भाई ये बाउंड है। ये क्या है? बाउंड है, क्योंकि इसके रेंज है ना, रेंज का मतलब जब कोई इंसान के बोलते हैं ये तो अपनी रेंज से बाहर हो गया है ना, तो मतलब वो कितना बाउंड है, कितना बाउंडनेस है, अनबाउंड बोल देंगे उसको कि बाउंड से बाहर हो गया है ना। कोस की भी बात करते हैं तो वो भी इतना ही आता है कि -1 से 1। और जब टेन की बात की जाती है तो टेन ये इक्वल नहीं आएगा भैया है ना, तो टेन क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस लिखा होगा ग्राफ आपने, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तो भाई ये अनबाउंड है। तो हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि भाई ये क्या है, बाउंडनेस ग्राफ है बोलिएगा, और इसको आप अनबाउंड बोल सकते हो। हाँ जी, छोटी छोटी बातें हमने कर ली है, इसके बाद कुछ और बातें करते हैं। थोड़ी बातें करने से पहले मैं छोटी छोटी बातों को और रिपीट करूंगा, और वो छोटी छोटी बातें नहीं, सुनिएगा बात को। जब आप बोलते हो कि आप बाउंडेड बोल रहे हो या अनबाउंडेड बोल रहे हो, सर ये आप थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन कीजिएगा कि हमारे समझ में आए। तो इसका मतलब ये है कि जब साइन कोस टेन कोट ये अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक देते हैं, अगर वो फिक्स वैल्यू देते हैं जिसको हम काउंट कर सकें, पता होता है कि हमें ये काउंटेबल है, ये इस रेंज एक फिक्स रेंज में आ रही है, इसकी वैल्यू जो फिक्स रेंज में आ रही है, तो हम बोल देंगे ये बाउंडेड है, बोलिएगा बाउंडेड हो सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके समझ में आनी चाहिए।